पांच दिवसीय दीपोत्सव के प्रथम दिन धनतेरस के मौके पर समूचे शहर में भीड़ उमड़ी। बाजार में धन वर्षा होने से व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने रजत, स्वर्ण आभूषण, बर्तन, नए वस्त्र, सजावटी सामान, घरेलू उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मिठाई, पटाखे आदि खरीदे। मेरा नाम किरण सोनी। इस बार एज कम्पेयर टू पिछले 2 साल कोरोना के चलते तो अब तो थोड़ा सुधार है, और जितना उम्मीद थी उससे तो कम है। ओवरऑल जितना पहले चलता था मार्केट उसका 25% है, बट कोरोना के अकॉर्डिंग अब थोड़ा सा इंक्रीज तो हुआ है। कोरोना की वजह से लोगों की इनकम की वजह से भी थोड़ा सा डाउनफॉल आया है मार्केट में। उम्मीद थी उसके कंपेरिजन में तो नहीं है, 25% ही है। वहीं धनतेरस के मौके पर बाजारों में कुछ लोगों का कहना था कि पिछले वर्षों के मुकाबले यह धनतेरस फीकी रही। पिछले 2 वर्ष के बाद अब स्थिति काफी हद तक व्यवसाय के भी अनुकूल हो गई है, और टीकाकरण के बाद लोगों में आत्मविश्वास भी बढ़ा है। उसके कारण बाजार में हलचल देखने को मिल रही है और हम उम्मीद से अच्छा कारोबार कर रहे हैं। धनतेरस पर कैसा लग रहा है आपको? धनतेरस पर अच्छा लग रहा है कि जैसे गाड़ी पटरी पे आ गई है, जैसे या जैसे सूखे जो सूखा था वो बीत गया है। कुल अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छे धनतेरस बोल सकते हैं। हाँ, इसको कुल मिला के संतोष प्रद तो कह सकते हैं।